हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज़ किचन में। तो आज मैं आपको सूजी का उपमा बनाना सिखा रही हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और एकदम आसान सी ब्रेकफास्ट रेसिपी रहेगी। आप इसे चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर सर्व कर सकते हो। इसे बनाने में आपको केवल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको ये रेसिपी आज बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए आपको जो सूजी लेनी है वो थोड़ी मोटे वाली इस्तेमाल करनी है। सूजी दो तरीके की होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मोटे वाली सूजी है और यहाँ पर हमारे पास ये बारीक वाली सूजी है। तो हम इसके लिए मोटे वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे। बारीक वाली सूजी से जो उपमा बनकर तैयार होता है वो खिला खिला बनकर तैयार नहीं होता, एकदम चिपका चिपका सा बनकर तैयार होता है। अब गैस ऑन करके मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई के अंदर हम 1 कप सूजी डाल देंगे। आप इसका मेज़रमेंट किसी भी कप से, बाउल से या फिर ग्लास से कर सकते हो, लेकिन एक ही बर्तन से इसका मेज़रमेंट कीजिए। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है और इसे लगातार चलाते हुए 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। सूजी का हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, केवल आप इसको हल्का सा भून लें ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। आप इसे लगातार चलाते रहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। तो यहाँ पर मैंने इसे मीडियम आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। इसे हम एक प्लेट के ऊपर निकाल देंगे और सेम कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पर ये 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये 7 से 8 काजू डाले हैं। धीमी आंच पर काजू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही काजू हल्की से फ्राई हो जाएं तो हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मूँगफली इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अब घी के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों या फिर आप चाहें तो राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही दोनों चटकने लगी तो मैंने इसके अंदर डाले हैं 7 से 8 करी पत्ता। साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप करके ले लिया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर यहीं पर 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो जाए तो मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 कप मटर और 1/2 कप गाजर। गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर लिया है और मैं यहाँ पर फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसके लिए बॉइल्ड मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लास्ट में डालें। मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसको पहले डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल दें ताकि सब्ज़ी हमारी जल्दी से पक कर तैयार हो जाए। मिला देंगे इसे भी अच्छे से और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करूँगी। इससे हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो नीचे पैन में चिपकेंगी नहीं और अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगी। पैन को कवर कर देंगे और इसे कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सब्जियों के अंदर हल्का क्रंच बना रहे तब तक ही आप इसको पका कर तैयार कर लीजिए। देखिए, सब्जियाँ हमारी हल्की पक कर तैयार हो गई हैं तो हम इसके अंदर ये रोस्ट की हुई सूजी डाल देंगे। सूजी को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर पानी इसके अंदर पहले डालने की गलती बिल्कुल ना करें। पहले आप इसके अंदर सूजी को मिक्स कीजिए, उसके बाद में आप इसके अंदर पानी डालिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर गुठले नहीं बनेंगे। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तो जिस कप से मैंने सूजी ऐड की थी सेम कप से मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 कप पानी ऐड करूँगी। मैंने इसके लिए यहाँ पर मोटे वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने इसके अंदर 3 कप पानी ऐड किया है। अगर आप इसके लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर पानी आप थोड़ा कम डालें। मुझे इसके अंदर थोड़े नमक की कमी लगी है तो मैं यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा नमक और डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, केवल सिंपल से मसालों के साथ में इसको बनाऊँगी। अब गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो पर रखा है और पैन को कवर करके हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद में पैन का ढक्कन हटाया मैंने। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी मात्रा में सूजी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। साथ में मैं इसके अंदर ये रोस्ट किए हुए काजू भी डाल दूँगी। मिला देंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से। अभी भी गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखेंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे।
दो मिनट के बाद एकदम परफेक्ट उपमा हमारा बनकर तैयार है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधे नींबू का रस। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ी बारीक कटी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, और अगर आपको इसे तीखा बनाना है तो आप इसके अंदर हरी मिर्ची काट कर भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने इसको तीखा बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको एकदम हेल्दी बनाने वाली हूँ। तो एकदम परफेक्ट और टेस्टी हमारा ये सूजी का उपमा बनकर तैयार है। प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।